हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज। इस बार इस सीरीज में आप लोगों को राज कॉमिक्स में नागराज की वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज देखने को मिलेगी, जहां नागराज निकल पड़ा है विश्व आतंकवाद के सफाई के मिशन पर और कहलाता है आतंक हर्ता नागराज। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ऑस्विट्ज़ जर्मनी, 1940। कंसंट्रेशन कैंप्स स्थापित करने वाले लेफ्टिनेंट रुडोल्फ होसी ने कहा, मेरा गढ़ है यह, तूने यहाँ कदम रख कर हमारा काम आसान कर दिया है कीड़े। अब इन 3 करोड़ यहूदियों, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग वैश्याओं और अन्य युद्ध बंदियों के साथ ही मरेगा तू भी, और तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन के राह की सबसे बड़ी अड़चन। और तभी उसने चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ दी और कहा, मारा गया नाजियों का सबसे प्रबल शत्रु, अब शुरू होकर रहेगा फाइनल सॉल्यूशन। इधर एडोल्फ हिटलर ने कहा, हमारे आदर्श युग की स्थापना का अंतिम चरण अपने चरम पर है महान सूतसेयर, हमारी सेनाएं जल्द ही ऑर्डर तलाश लेंगी, उसके बाद विश्व की समस्त कौमों पर राज सिर्फ प्योर ब्लड्स करेंगे। तब सूतसेयर ने कहा, ऑर्डर का जल्द मिलना अति आवश्यक है हिटलर, प्योर ब्लड्स विश्व संरक्षक ऑर्डर की स्थापना के बाद ही बन सकते हैं। तब हिटलर ने कहा, निश्चिंत रहें महान सूतसेयर, हमने जर्मनी से पाप के प्रतीकों की कौम का जड़ उन्मूलन कर दिया है, शीघ्र ही समस्त विश्व में एक भी पाप का प्रतीक नहीं बचेगा। हमारी अपार शक्ति व बर्बर प्रवृत्ति के सामने सोवियत सेनाएं भी घुटने टेक देंगी। बर्लिन, 29 अप्रैल 1945। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, सोवियत सेनाओं ने नाजी सेना पर धावा बोल दिया था। फिर बर्लिन 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर के पास खबर पहुंची, फ्यूहरर, सोवियत सेनाएं पूरे बर्लिन पर कब्जा कर चुकी हैं, यह युद्ध हम हार चुके हैं। इससे पहले कि सोवियत सेनाएं आप तक पहुंचे, आप मैडम ईवा ब्राउन को लेकर वहां से निकल जाएं। तब हिटलर जा पहुंचा सूतसेयर के पास और कहा, ऑर्डर स्थापित करने की हमारी मुहिम विफल हो गई सूतसेयर, हम लड़ाई हार गए। यह सुन सूतसेयर ने कहा, हम नहीं फ्यूहरर, तुम हार गए। फ्यूहरर, एक हारी हुई जिंदगी से एक इज्जतदार मौत बेहतर होती है। और तभी सूतसेयर ने एडोल्फ हिटलर और उसकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तब सूतसेयर ने एडोल्फ हिटलर का बच्चा अपने हाथों में ले लिया और कहा, परमपिता के आदेश का पालन होकर रहेगा, ऑर्डर हर हाल में स्थापित होगा, पर उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी सही समय के लिए और सही शिकार की। उधर नागराज आ पहुंचा था जर्मनी और कहा, आतंकवाद का कोई मुल्क, कोई मजहब, कोई खुदा नहीं होता, यह वो जहरीली अमर बेल है जो युगों युगों से अपना चेहरा बदल नए रूप धारण कर मानवता का लहू पीकर जिंदा है। उसी जहरीली बेल के एक हिस्से को नेस्तनाबूद करने में जर्मनी आया हूँ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ बेबल। नागराज एयरपोर्ट से बाहर निकला कि तभी एक व्यक्ति नागराज से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी एक महिला नागराज के पास पहुंची और कहा, आई एम एडा ब्राउन, कमांडिंग ऑफिसर, जर्मन इंटेलिजेंस विंग, तुम्हें मेरे साथ GIW हेडक्वार्टर चलना होगा। GIW हेड माइकल कॉन्स्टेंटीन ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। फिर नागराज एडा के साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नागराज के जाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, उस लेडी ऑफिसर के वहाँ आ जाने के कारण मुझे भागना पड़ा, मेरा नागराज से मिलना बहुत आवश्यक है, नागराज को आगाह करना होगा, उसे जाना होगा जर्मनी से फौरन। तभी एक शैतान बैरोनिस हाजिर हुई और कहा, इस केचुए का पता नहीं, पर हमें तेरे यमराज लॉर्ड मॉर्बियस ने भेजा है, तुझ जैसे नाली के कीड़ों की मौत के फरमान के साथ। नागराज की परवाह तू मत कर, उसका भाग्य तो युगों पहले ही लिखा जा चुका है, उसकी मौत यही जर्मनी में होगी। और तभी बैरोनिस ने अपने उस राक्षस हाइब्रिड को नाग मानव पर छोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर नियो नाजीज के सीक्रेट हाइडआउट पर लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, जनरल स्ट्रैंगलर, फाइनल सॉल्यूशन की क्या प्रोग्रेस है? तब जनरल स्ट्रैंगलर ने कहा, बर्लिन और आसपास के अन्य शहरों से इन बीमार, विकलांग और मानसिक रूप से बीमार यहूदियों को पकड़ा है हमने। तब लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, परम पिता की बनाई आदर्श सृष्टि पर बदनुमा दाग हैं ये लोग, हिटलर महान इन गंदे विकृत कीड़े मकोड़ों को हमेशा के लिए समाप्त कर एक आदर्श युग की स्थापना करना चाहते थे, उनका अधूरा काम अब हम पूरा करेंगे। संपूर्ण विश्व से
विकृति हटाकर एक आदर्श युग की स्थापना करेंगे। तब जनरल स्ट्रैंगलर ने कहा, गंदगी अभी और भी है लॉर्ड मॉर्बियस। बर्लिन में हाइड्रा द्वारा संचालित कैट हाउस से पकड़ी गई कैट्स हैं यह सभी, लेकिन जिसकी हमें तलाश है वह इनमें नहीं है। तब लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, फिर तो यह हमारे किसी काम की नहीं, और जो हमारे काम का नहीं उनके साथ क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। तभी बैरोनेस वहां आ पहुंची और कहा, योजना का पहला चरण सफल हो गया है जनरल, नागराज बर्लिन आ चुका है। उसके यहां आते ही एक सपोले ने उससे मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सका। तब लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, नागराज का बर्लिन आना वाकई खुशखबरी है। ऑर्डर सदियों से नागराज की प्रतीक्षा कर रहा था। ऑर्डर के विश्व में कायम होने का समय निकट है। विश्व भर में फैले ऑर्डर के अनुयायियों को एकजुट होने का आदेश दे दो। फाइनल सॉल्यूशन की तैयारियां तेज करनी होंगी। तब जनरल स्ट्रैंगलर ने कहा, लेकिन ऐसा करने से ऑर्डर खुलकर सारे विश्व और नागराज के सामने आ जाएगा। हम अभी उनसे टकराव के लिए तैयार नहीं हैं। तब मॉर्बियस ने कहा, हिटलर महान हमेशा कहते थे, युद्ध से होने वाली विभीषिकाएं नहीं, युद्ध से होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। समय आ गया है कि दुनिया अब ऑर्डर के बारे में जान जाए। रहा सवाल नागराज का, तो जर्मनी में नागराज के आगमन की प्रतीक्षा महान सूथसेयर बेसब्री से कर रहे हैं। यह जानकर उन्हें हमसे भी कहीं अधिक खुशी होगी। तब बैरोनेस ने कहा, हमारे लिए क्या आदेश है लॉर्ड? तब लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, जर्मनी के सभी बदनाम कैट हाउसेस पर मौत का कहर बरपा दो, हमें वह चाहिए हर हाल में। नागराज सोच रहा था, जर्मन आर्किटेक्चर सारे विश्व में अनोखा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा काल में तानाशाह हिटलर एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन आर्किटेक्चर स्कूल ने उसे अयोग्य करार दिया। पर एक बुरा आर्किटेक्ट एक बुरे तानाशाह से बेहतर होता, जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध का कलंक ना लगता। जर्मनी में आतंकवाद नहीं है, मैं भी अब तक यही समझता था, जब तक मैंने ऑर्डर ऑफ बेबल नामक आतंकवादी संगठन द्वारा जारी वीडियो फुटेज नहीं देखी थी, जो कि मेरे लिए ही जारी की गई थी। फुटेज में कत्ल किए गए लोगों की आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। वे सभी विक्टिम्स की तभी उनके काफिले पर घातक हमला हुआ। कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ियों पर जोरदार छलांग लगाई और गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। फिर एक हमलावर गाड़ी के पास गया और कहा, इसमें तो कोई भी नहीं है, नागराज कहाँ गया? तभी नागराज ने कहा, तुम लोग शायद मुझे ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ हूँ। यह देख उस हमलावर ने कहा, जर्मनी छोड़कर चला जा नागराज, तेरे लिए मौत के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तब नागराज ने कहा, मुझे भी यहाँ मौत ही चाहिए, लेकिन मेरी नहीं, आतंकवाद की मौत। इनकी पोशाकों पर वही चिन्ह हैं जो उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे आतंकवादियों की पोशाकों पर थे, मतलब मेरा सामना ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से हो रहा है। तब एडा ने बताया, यह ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप है नागराज, यह अपने आप को ऑर्डर के संरक्षक कहते हैं, सामने खड़ा है इस ग्रुप का लीडर गार्जियन। तब नागराज ने पूछा, यह ऑर्डर क्या है? एडा ने बताया, ऑर्डर क्या है यह कोई नहीं जानता। यह सुन नागराज बढ़ चला गार्जियन की तरफ और कहा, ऑर्डर क्या है यह तो मैं इनकी लाशों से भी उगलवा लूँगा। और तभी हमलावरों ने एक साथ नागराज पर वार कर दिया। नागराज ने कहा, ये लोग अपने आसपास की इमारतों पर कलाबाजियां खाकर मेरे सर्पों से बचने के लिए लड़ने की पार्कर शैली का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही इमारतों का प्रयोग यह लोग अपनी कलाबाजियों को दोगुनी गति देने के लिए भी कर रहे हैं। इन्होंने कितने मासूमों का खून बहाया सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और अब मुझसे ही यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, यह बात समझ से परे है। नागराज अपने सर्पों से उन पर वार कर रहा था। यह देख हमलावरों ने नागराज के हाथों पर स्टिकी बॉम्ब से वार किया और उसके बाद सारे हमलावर नागराज पर टूट पड़े। तब नागराज ने सोचा, इन स्टिकी बॉम्ब्स की पिन निकल जाने के बाद केवल 10 सेकेंड्स में ये शरीर के परखच्चे उड़ाते हुए फट जाएंगे। मेरे पास 10 सेकेंड से भी कम समय है अपने आप को बचाने के लिए। और तभी नागराज ने जमीन के अंदर छलांग लगा दी और अगले ही पल जमीन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। यह देख हमलावर उस गड्ढे के पास जा पहुँचे और कहा, मैंने कहा था नागराज से कि उसके लिए यहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं है,
मान लेता तो इस दर्दनाक मौत से बच जाता, चिथड़े तक नहीं बचे उसके, उसके चाहने वालों को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिलेगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, वाकई नागराज की लाश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नागराज जिंदा है। मैं तो तुम्हारे स्टिकी बॉम्ब से बच गया, पर मेरे ध्वंसक सर्पों से तुम लोग कतई नहीं बच पाओगे। तुम्हारे शरीर में जरा सी भी हरकत इन ध्वंसक सर्पों को फटने का इशारा होगी। तब तक मैं जरा तुम्हारे बाप गार्जियन से मेलजोल बढ़ा लूँ। यह देख गार्जियन भागने लगा। नागराज ने कहा, स्टिकी बॉम्ब्स को अपने शरीर से छुड़ाना वाकई मुश्किल था, लेकिन तब नहीं जब कोई मेरी तरह अपने शरीर से अपनी केंचुली अलग कर सकता हो। इधर गार्जियन भागते हुए इमारतों की छतों पर धमाके करने लगा और इमारत के टुकड़े नीचे खड़े लोगों पर गिरने लगे। यह देख नागराज ने नागजाल से उन टुकड़ों को नीचे गिरने से रोका। उधर मौके का फ़ायदा उठाकर गार्जियन और उसके हमलावर वहां से भाग निकलने में सफल हुए। नागराज ने कहा, इन संकरी और एक दूसरे से सटी इमारतों के बीच झूलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। जर्मनी में आने से जुड़े सारे सवालों के जवाब मुझे गार्जियन से ही मिल सकते हैं। ओह, एकदम से आंखें बोझिल होने लगी। यह अचानक से क्या हो रहा है? तभी नागराज की आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल नागराज ने कहा, यह क्या, यह मेरा भ्रम है या फिर वाकई मुझे हवा में कुछ दृश्य उभरते दिखाई दे रहे हैं? नाजी स्वास्तिक, यह तो नाजी सैनिक हैं। नाजी कंसंट्रेशन कैंप का दृश्य है या युद्ध बंदियों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उन युवतियों को यातनाएं देने में ये लोग बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं। ओह, क्यों दिख रहे हैं मुझे यह दृश्य? नाजियों की बर्बरता के शिकार हुए लाखों निर्दोषों की हृदय विदारक चीखें इनकी वेदनाएं संपूर्ण अस्तित्व को विचलित कर रही हैं। निर्जीव कंकालों से प्रतीत होते इन बच्चों की जीवन रहित आँखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, दृश्य धूमिल होते जा रहे हैं, लेकिन यह सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? तभी एक अक्ष प्रकट हुआ और कहा, अनगिनत नाम है मेरे, परंतु तुम मुझे सत्य का मार्गदर्शक अर्थात लेतफेंदे बुला सकते हो। वे दृश्य मैंने ही तुम्हें दिखाए थे ताकि तुम उस सत्य से परिचित हो सको कि विश्व युद्ध के समय यदि नागराज होता तो यह संसार कभी भी विश्व युद्ध की विभीषिका से नहीं गुजरता। तब नागराज ने कहा, मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझा। तब लेतफेंदे ने कहा, विश्व युद्ध और उसके परिणाम से दुनिया को यदि कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम। यह सुन नागराज ने कहा, जो हो चुका है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? तब लेतफेंदे ने बताया, समय सब कुछ बदल सकता है नागराज। समय इतिहास और वर्तमान को कब आमने सामने ला खड़ा करे यह सिर्फ समय निर्धारित करता है। एक बार फिर जर्मनी की भूमि विश्व युद्ध से बहिर्रक्त से रक्तिम होने के कगार पर आने वाली है। तुम इस युद्ध को होने से टाल सकते हो नागराज, लेकिन उसके लिए तुम्हारा जर्मनी में होना आवश्यक है। तब नागराज ने कहा, जर्मनी में फैली आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए ही मैं यहाँ आया था, और यह काम पूरा किए बिना मैं जर्मनी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी एडा वहाँ आ पहुँची और कहा, अंधेरी बंद गली में खुद से बातें करना तुम्हारा क्राइम फाइटिंग स्टाइल है क्या? खैर, पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। तब नागराज ने सोचा, अरे वे लेतफेंदे कहाँ गए? क्या एडा को नहीं दिखाई दिए वे? अगले दिन हेडक्वार्टर जनरल इंटेलिजेंस विंग बर्लिन, इंटेलिजेंस के हेड माइकल कॉन्स्टेंटीन ने कहा, ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से संघर्ष के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के साथ बर्लिन की 3 धरोहर इमारतों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मैं तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर सकता हूं नागराज। यह सुन नागराज ने कहा, फिर तो आपको पहले ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप को गिरफ्तार करना चाहिए। यह सुन सार्जेंट क्लिपर गुस्सा गया और कहा, किसे कैसे और कब गिरफ्तार करना है यह हमें मत सिखाओ नागराज। तब माइकल ने कहा, नागराज यदि तुम जर्मनी में रहे तो तुमसे टकराने का कोई भी मौका ऑर्डर ऑफ बेबल नहीं छोड़ेगा। इस टकराव में जीत चाहे किसी की भी हो, खामियाजा जर्मनी की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके जर्मनी छोड़ दो। यह सुन नागराज ने कहा, खामियाजा तो जनता वैसे भी भुगत ही रही है माइकल, वह वीडियो फुटेज इस बात का सबूत है। तब माइकल ने कहा, जर्मनी में होने वाले अपराध या किसी भी आतंकी घटना से
निपटने का जिम्मा जर्मनी के कानून और GIW का है नागराज। यह हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। GIW के लिए जर्मन कानून का उल्लंघन करने वाला आम आदमी भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि कोई आतंकी संगठन। इसे अपने लिए पहली और आखिरी चेतावनी समझो नागराज, वरना हमारी अगली मुलाकात दोस्तों की तरह नहीं होगी। तब नागराज ने कहा, विश्व के किसी भी देश में जाने और वहां से अपराध हुआ आतंकवाद को मिटाने में उस देश के कानून की मदद करने का अधिकार है मेरे पास, लेकिन अगर GIW को लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से जर्मन कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, तो बेशक GIW मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है लीगल ऑर्डर के साथ। लेकिन नागराज, ऑर्डर ऑफ बेबल या किसी भी आतंकवादी संगठन को जर्मनी की ज़मीन को बेगुनाह मासूमों के खून से लाल नहीं करने देगा। गुड नाइट जेंटलमैन। इधर ऑर्डर ऑफ बेबल के सीक्रेट हाइडआउट पर गार्जियन ने कहा, नागराज का लेथफेंदे से मिलना ठीक नहीं हुआ। अगर लेथफेंदे ने नागराज को ऑर्डर के बारे में बता दिया तो हमारी सदियों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जो काम लेथफेंदे नागराज से करवाना चाहता है वह अब हमें खुद करना होगा। तभी दूसरे सदस्य ने कहा, लेकिन आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि खुद जाकर। तभी कुछ सदस्यों ने वहां प्रवेश किया और कहा, रिपर के होते हुए गार्जियन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब गार्जियन ने कहा, हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ने के साथ ही हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं रिपर, अब नागराज के होते तुम्हारा काम आसान ना होगा, वह ऑर्डर ऑफ बेबल के अगले कदम का ही इंतजार कर रहा होगा। तब रिपर ने कहा, नागराज के यहाँ होने से ऑर्डर ऑफ बेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा गार्जियन, योजना का प्रथम चरण आज ही शुरू होगा। कैजर विलहम मेमोरियल चर्च, ऑर्डर ऑफ बेबल के मेंबर वहां जाकर खोजबीन करने लगे और कहा, ऑर्डर यहां नहीं है रिपर। तब रिपर ने कहा, डैम इट, खैर हमें हताश नहीं होना चाहिए, यहां रुकने का अब कोई फ़ायदा नहीं, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। तभी पीछे से आवाज़ आई, नीचे आने में तुम्हारे साथियों की मदद मैं कर देता हूं। और तभी नागराज ने अपने सर्प छोड़कर रिपर के आदमियों को नीचे गिरा दिया। तब नागराज ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में माथा टेकने से शायद कुछ पाप कम हो तुम्हारे। यह सुन रिपर ने कहा, हमारे पापों की सजा हमें हमारा भगवान दे देगा नागराज। और तभी रिपर ने रोक डार्ट निकाली और नागराज पर वार करते हुए कहा, लेकिन जर्मनी में आने के तेरे गुनाह की सजा तुझे यहीं मिलेगी। रिपर के हाथों मौत। और अगले ही पल ऑर्डर ऑफ बेबल के हमलावर टूट पड़े थे नागराज पर। तब नागराज ने कहा, पार्कर और रोप डार्ट्स अर्थात दोनों की सम्मिलित तकनीक इस बंद जगह पर मेरे लिए घातक हो सकती है, इन्हें इस पवित्र स्थान से बाहर निकालना होगा। और अगले ही पल वे सभी चर्च के बाहर थे। हमलावर नागराज के शरीर को रोप डार्ट से भेद रहे थे, लेकिन जख्म सहते हुए भी नागराज ने कटीली सर्प रस्सी बनाई और उन हमलावरों पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वे हमलावर नागराज के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। तब नागराज ने घायल रिपर से पूछा, इस पवित्र स्थल पर अपने नापाक कदमों को रख कर किस घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने आए थे तुम लोग? यह सुन रिपर ने कहा, तेरे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है नागराज, जर्मनी से चला जा, वरना यहाँ जो कत्लेआम होगा, जितने मासूमों का खून बहेगा, उसका जिम्मेदार तू होगा। यह सुन नागराज ने कहा, मेरे यहाँ होते हुए किसी भी मासूम का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे तुम लोग। तब रिपर ने कहा, ना समझ है तू, तुझे समझाने का कोई उपाय नहीं है मेरे पास। और तभी रिपर ने अपना आखिरी वार किया, लेकिन नागराज ऐन मौके पर हट गया और रोप डार्ट सीधा रिपर के गले में जा धसी। तब नागराज ने रिपर का मांस खटाया। यह देख नागराज ने कहा, ओह यह तो सार्जेंट क्लिपर है, यह रिपर के रूप में ऑर्डर ऑफ वेबल के लिए कार्य करता है, मामला पेचीदा होता जा रहा है, पहले वह वीडियो फुटेज जारी कर मुझे जर्मनी आने का न्योता देना, फिर मेरे जर्मनी में कदम रखते ही मुझे यहाँ से जाने के लिए धमकी देना, और अब GIW के सार्जेंट का एक आतंकवादी होना। GIW से और कौन कौन हो सकता है ऑर्डर ऑफ बेबल का सदस्य? रिपर की मौत के साथ ही सारे सवाल ज्यों के त्यों बने रह गए। रिपर के पास से बरामद इस मोबाइल से शायद कोई मदद मिले मुझे। उधर कैट कबरेट क्लब बर्लिन, बैरोनेस आ पहुंची थी अपनी नियो नाजी सेना लेके और कहा, यह सभी हमारे किसी काम की नहीं। इसके बाद
बर्लिन का बस एक ही कैट हाउस बसता है, यानी हमें अपने मतलब की चीज़ वहीं मिलेगी। सोल्जर्स, ख़त्म कर दो इन्हें। और तभी बैरोनेस की सेना ने वहाँ खूनी खेल मचा डाला और अगले ही पल क्लब में मौजूद सारे लोग मारे गए। इधर ऑर्डर ऑफ बेबल के सीक्रेट हाइडआउट पर गार्जियन गुस्से में था और कहा, हार्ट ऑफ बर्लिन में हमें सफलता नहीं मिली। नागराज की वजह से हमारा सबसे काबिल लड़ाका रिपर मारा गया। रिपर की असलियत जानने के बाद नागराज हमारे लिए पहले से भी बड़ा खतरा बन गया है। उससे निपटने के लिए अब हमें बैकअप टीम चाहिए। इधर नागराज एक रेस्तरां में बैठा सोच रहा था, रिपर के मारे जाने से ऑर्डर ऑफ बेबल तक पहुंचने का एक मार्ग बंद हो गया, परंतु मेरे हाथों एक कड़ी लग चुकी है कि यह लोग किसी खास चीज़ की तलाश में हैं जो इन्हें यहाँ के किसी दार्शनिक या ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पर मिल सकती है। बस मुझे बर्लिन के सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी लेनी है, जिसमें एक टूरिस्ट मैप मेरी काफ़ी मदद कर सकता है। तभी एक शख्स नागराज की टेबल पर आ बैठा और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। यह देख नागराज ने कहा, आपकी तारीफ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम पेड्रो है, मैं पूरे बर्लिन की खबर रखता हूँ और इस वक्त आपसे ज़्यादा मेरी मदद की ज़रूरत किसे होगी। तब नागराज ने कहा, देखिए मिस्टर पेड्रो, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तब पेड्रो ने कहा, यह टूरिस्ट मैप चीख चीख कर कह रहा है कि तुम बर्लिन में नए हो और मुझसे बेहतर टूरिस्ट गाइड तुम्हें पूरे बर्लिन में नहीं मिलेगा। तब नागराज ने कहा, लेकिन मुझे किसी टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है। यह सुन पेड्रो ने कहा, अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही पड़ने वाली है। तभी नागराज के पास वेटर आया और कहा, योर ऑर्डर सर। तब नागराज ने वेटर की आंखों में देखा और कहा, यह वह वेटर नहीं है जो पहले ऑर्डर लेने आया था, उसकी आँखें। फिर नागराज उस वेटर के पीछे लग गया। रेस्तरों के पीछे दरवाजे से बाहर आते हुए नागराज ने कहा, उसकी आंखें पहचान गया था मैं, वह एक इच्छाधारी नाग था, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। ओह, यह तो बुरी तरह घायल है। तब उस नाग मानव ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो नागराज। यह देख नागराज ने कहा, कौन हो तुम, किसने किया तुम्हारा यह हाल। तब उस नाग मानव ने कहा, मेरा नाम रूबिन्स है। तुम्हें जर्मनी छोड़कर जाना होगा नागराज, पर पहले तुम्हें जाना होगा। तभी नाग मानव ने अपना आखिरी शब्द बटर, स्कॉच, बर्लिन, लोला कहते हुए दम तोड़ दिया। तब नागराज ने कहा, यह दूसरा इच्छाधारी सर्प था जो मुझे कुछ बताना चाहता था। इसकी आंखों में भी वैसा ही खौफ था जैसा कि एयरपोर्ट के पास मिले उस इच्छाधारी नाग की आंखों में था। इस मामले की तह तक पहुंचना अब और भी ज़रूरी हो गया है। नागराज वापस रेस्तरां पहुंचा, लेकिन पेड्रो जा चुका था। तब नागराज ने वेटर से पूछा, यहाँ बैठे सज्जन कहाँ गए। तब वेटर ने कहा, वो तो चले गए सर, उन्होंने कहा कि उनके हिस्से का बिल भी आप ही पे करेंगे और उन्होंने आपको यह देने के लिए कहा है। यह कहकर कि इसकी कीमत बिल के मूल्य से कहीं ज़्यादा है। वह पेंटिंग देख नागराज ने कहा, यह तो 1908 की कोई पेंटिंग है। इस पर आर्टिस्ट के नाम की जगह हिटलर के इनिशियल्स हैं, मतलब यह पेंटिंग हिटलर ने अपने युवा काल में बनाई थी। लेकिन यह मीनार, ऐसी मीनार तो पहले कहीं नहीं देखी। टावर ऑफ बेबल, इस मीनार का नाम टावर ऑफ बेबल है। टावर ऑफ बेबल और ऑर्डर ऑफ बेबल दोनों नामों में काफ़ी समानता लगती है। क्या इस टावर ऑफ बेबल का ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से कोई संबंध है या फिर बस नामों में ही समानता है। पेड्रो ने सही कहा था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाइड्रा ग्रुप हेडक्वार्टर बर्लिन, बॉस ने कहा, नियोनाजी ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बर्लिन के हमारे ज़्यादातर कैट हाउसेस तबाह कर दिए, अनगिनत कैट्स की बेरहमी से हत्या कर दी। हाइड्रा संगठन के पिछले 200 सालों से पूरे जर्मनी में कैट हाउसेस के संचालन और संरक्षण पर सवालिया निशान लगा दिया है। लोकल पुलिस भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं और हाइड्रा संगठन इतना सशक्त नहीं है कि नियोनाजी का मुकाबला कर सके। तब दूसरे सदस्य ने कहा, हमें किसी ऐसे शक्ति की ज़रूरत है जो नियोनाजी के खिलाफ खड़े होने में हमारी मदद कर सके। तब बॉस ने कहा, नियोनाजी को नेस्तनाबूद कर सके ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही है, नागराज। नागराज ऑर्डर ऑफ बेबल के खात्मे के लिए यहाँ जर्मनी में है। आतंक हर्ता को जर्मनी के सबसे बड़े आतंक से हम रूबरू कराएंगे। तब दूसरे सदस्य ने कहा, इसमें जोखिम है नागराज, हाइड्रा के पीछे भी पड़ सकता है। तब बॉस ने कहा,
इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा साथियों, और इस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है मेरे पास लोला। इधर नागराज जा पहुंचा था बटर स्कॉच कैबरेट बर्लिन, बर्लिन का एक बदनाम कैबरेट जॉइंट। नागराज ने कहा, यहीं का नाम लिया था रूबिन्स ने मरते हुए। इच्छाधारी नागों पर हो रहे हमलों का भला इस जगह से क्या संबंध हो सकता है? शायद यहाँ कुछ समय बिताने के बाद कुछ पता चल सके। फिर नागराज ने वहाँ इंतजार किया। लोला एक कैबरेट डांसर है, इसी का नाम लिया था रूबिन्स ने। और कुछ समय बीतने के बाद नागराज ने कहा, कहीं रूबिन्स की बात को समझने में मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई? यहाँ और रुकना समय की बर्बादी है। तभी बैरोनेस नियोनाजी सेना के साथ वहाँ आ पहुँची और कहा, यही है वह जिसकी हमें तलाश थी, पकड़ लो उस लड़की को और ख़त्म कर दो यहाँ मौजूद हर एक शख्स को। तभी नियोनाजीज की सेना ने वहाँ गोलियों की बौछार कर दी। और कुछ पलों बाद हमलावरों ने कहा, यह क्या, सैकड़ों राउंड गोलियाँ चला दी लेकिन लगी किसी को भी नहीं, सारी गोलियाँ कहाँ गईं? तब नागराज अपने सैकड़ों नागों के साथ खड़ा हुआ और कहा, यहाँ मेरे पास, इसीलिए मैं इन्हें तुम्हें लौटाता हूँ ब्याज के साथ। और तभी नागराज के नागों ने गोलियों की बौछार कर दी नियोनाजी सेना पर। नागराज ने सोचा, इतने सारे लोगों को छोड़कर वह दोनों सिर्फ उस कैबरेट डांसर के पीछे पड़े हैं, मतलब कुछ खास है उस लड़की में, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ। तभी बैरोनेस के पालतू शैतान हाइब्रिड ने लोला को धर दबोचा। तब बैरोनेस ने कहा, ईजी हाइब्रिड ईजी, यह लड़की हमें जिंदा चाहिए, एक बार हमारा काम हो जाए उसके बाद जैसे मर्जी वैसे इसकी चीर फाड़ कर लेना। तभी नागराज बीच में आ गया और कहा, अफसोस तुम्हारे पालतू की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि लड़की मेरे साथ जा रही है। तभी हाइब्रिड नागराज पर झपटा लेकिन नागराज ने छलांग लगा दी और हाइब्रिड सीधा दीवार से जा टकराया। तब नागराज ने अपने सर्पों से हाइब्रिड को जकड़ दिया। यह देख बैरोनेस ने कहा, तुम्हारा हर बार इस पर बेअसर होगा नागराज, इंसान के डीएनए में अलग अलग प्राणियों के जीन्स प्रत्यारोपित कर हाइब्रिड को तैयार किया गया है, इसकी संवेदनाओं का संपर्क इसके मस्तिष्क से काट दिया गया है जिसके कारण इसे दर्द का एहसास नहीं होता। सीधे शब्दों में कहूँ तो इससे छुटकारा पाना तुम्हारे बस का नहीं। तब बैरोनेस ने लोला को उठा लिया और जाते हुए कहा, मैं यहाँ रुककर हाइब्रिड को अपने हाथों से तेरे शरीर की चीर फाड़ करते जरूर देखती, लेकिन इस लड़की को लॉर्ड मॉर्बियस तक पहुँचाना तुझे मरता देखने से ज़्यादा जरूरी है। इधर नागराज और हाइब्रिड एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। नागराज ने सोचा, इसकी गेंडे जैसी खाल को ना सर्पदंश भेद पा रहे हैं और ना ही नागफनी सर्प, अगर इससे जल्दी ही छुटकारा नहीं पाया तो वह महिला उस लड़की को ले जाने में कामयाब हो जाएगी। फिर हाइब्रिड ने नागराज को जकड़ लिया। तब नागराज ने उस पर जहरीली फुंकार छोड़ी लेकिन उस फुंकार का भी हाइब्रिड पर कोई असर ना हुआ। तब नागराज ने हाइब्रिड पर जोरदार किक जड़ दी और वह बिल्डिंग तोड़ता हुआ बैरोनेस की गाड़ी पर जा गिरा और गाड़ी चकनाचूर हो गई। तब नागराज ने कहा, अपने पालतू को साथ नहीं ले जाओगी? यह देख बैरोनेस ने कहा, तूने हाइब्रिड को शिकस्त दे दी, कैसे? तब नागराज ने कहा, संभव है, बेशक हाइब्रिड को दर्द का एहसास नहीं होता लेकिन उसके मर्म स्थलों पर प्रहार कर उसके रक्त संचार को बाधित कर उसे पंगु करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यह सुन बैरोनेस बौखला गई और कहा, तूने साबित कर दिया नागराज क्यों विश्व आतंकवाद तुझसे खौफ खाता है, लेकिन अगर तू समझता है कि तू मुझे रोक पाएगा तो तू ना समझ है। और तभी बैरोनेस घातक तरीके से टूट पड़ी थी नागराज पर, वह नागराज को संभलने का मौका नहीं दे रही थी। तब नागराज ने सोचा, किसी चील की तरह चपल और चालाक है यह, कब अपने असावधान शिकार पर झपट कर उसका काम तमाम कर दे पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर शिकार पहले से ही सावधान हो तो उसकी कोई भी चालाकी या चपलता उसके काम नहीं आ पाती। नागराज बैरोनेस को ख़त्म करने जा ही रहा था कि अचानक उसके सिर में जोरदार पीड़ा होने लगी। नागराज ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खोपड़ी फोड़कर बाहर आने को आमादा है, शरीर से नियंत्रण हटता जा रहा है। और नागराज बेहोश होने लगा। तभी बैरोनेस ने कार की टूटी हुई खिड़की उठा ली और कहा, नागराज भी तुझे नहीं बचा पाएगा क्योंकि वह खुद बचेगा या नहीं वह खुद भी नहीं जानता। लेकिन तभी किसी ने पीछे से बैरोनेस पर वार किया और बैरोनेस बेहोश हो गई।
यह देख लोला ने कहा, आप यह मुझसे बात करते हुए अचानक ही बेहोश हो गया, इसे होश में लाना होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा, फिलहाल नागराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है। उधर ऑर्डर ऑफ बेबल के अड्डे पर गार्जियन ने कहा, बुरी खबर है, हार्ट ऑफ बर्लिन पर हमले और सार्जेंट क्लिपर के ऑर्डर ऑफ बेबल से जुड़े होने की खबर के बाद से प्रेसिडेंट ने GIW को बर्लिन के सारे कैथेड्रल्स की सुरक्षा से हटाकर वहां मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी है। ऐसे में शांतिपूर्वक ढंग से ऑर्डर स्क्रॉल की खोज कर पाना अब संभव नहीं, इसीलिए विश्वभर से आप लोगों को यहां एकत्रित किया गया है। जिंग, चीन के शाओलिन टेम्पल का सबसे खतरनाक मॉन्क, दुर्लभ से दुर्लभ युद्ध शैली का महारथी, निहत्थे ही पूरी बटालियन को धूल चटाने की क्षमता है इसमें। DNA, इटली का सबसे काबिल एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, विश्व का कोई भी कैसा भी बारूद इसकी इजाजत के बगैर धमाका नहीं कर सकता। टेवोर, दुनिया के आधुनिकतम हथियारों का धारक, या फ्रांसीसी अपने आप में वन मैन आर्मी है। बादशाह खान, काहिरा का बेमिसाल तलवारबाज, अपनी शमशीर की तेजी से आसमानी बिजली को भी शरमाने पर मजबूर कर दे। कोड़ा, अफ्रीका के बेहड़ों के इस महान ओझा के काले जादू की ताकत और वूडू शक्ति के सामने किसी का कोई जोर नहीं चलता। समायरा, यह रूसी बाला फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, सबमरीन्स आदि को भी उसी आसानी से अपने इशारों पर नचा सकती है जैसे अपनी अदाओं से मर्दों को नचाती है। खतरा एकदम से कई गुना बढ़ने वाला है। समय आ गया है ऑर्डर ऑफ बेबल के आक्रामक होने का, क्योंकि फिर से सिर उठा रहा है हमारा सदियों पुराना दुश्मन NWO। इधर नागराज बेहोशी अवस्था में था। नागराज ने कहा, यह कहाँ आ गया हूँ मैं, हर ओर लाशें ही लाशें, निर्दोषों और मासूम बच्चों के मृत शरीर, असहनीय दृश्य है यह, इस वेदना को नहीं झेल सकता मैं। नागराज उन मुर्दा लाशों से घिरा हुआ था और वे मुर्दा नागराज से कह रहे थे, तुम्हें इस वेदना को झेलना होगा नागराज, क्यों नहीं बचाया हमें, सिर्फ तुम ही बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया नागराज, क्यों नहीं बचाया, तुम ही बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया। उन मुर्दों की दर्द विदारक चीखें सुन नागराज ने कहा, नहीं सह सकता मैं यह पीड़ा, नहीं सह सकता। और तभी नागराज को होश आया। यह देख लोला ने कहा, क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो, कोई बुरा सपना देखा तुमने। फिर नागराज ने कहा, हम कहाँ हैं। तब लोला ने बताया, तुम इस वक्त मेरे घर में हो नागराज। तब नागराज ने पूछा, वह लोग कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। सैनिकों की एक पूरी फौज, वो अजीब सा जानवर और उनकी लीडर। तब लोला ने बताया, तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा नागराज, लेकिन मैं नहीं जानती कि वे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे। यह सुन नागराज ने कहा, एक साधारण लड़की को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज का इस्तेमाल कोई समझदार इंसान तो नहीं करेगा, बशर्ते साधारण सी दिखने वाली लड़की वास्तव में साधारण ना हो। तब लोला ने बताया, मेरे लिए भी उतने ही आश्चर्य की बात है नागराज, जितनी कि तुम्हारे लिए। पिछले एक महीने में इन लोगों ने बर्लिन में सभी बदनाम कैट हाउसेस और कैबरेट जॉइंट्स को शमशान बना दिया। उन्होंने ऐसा किस लिए किया कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ भी बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। तब नागराज ने कहा, जाहिर है उन्हें किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, शायद तुम कुछ ऐसा जानती हो जो उनके मतलब का है। तुम रूबिन्स को कैसे जानती थी। तब लोला ने कहा, रूबिन्स एक बेहद ही अच्छा इंसान था, मेरे कैबरेट डांसर होने के बावजूद वो मुझसे बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन पिछले दिनों हुई सैकड़ों इच्छाधारी सर्पों की निर्मम हत्या से वह काफ़ी परेशान था। यह सुन नागराज ने कहा, मतलब तुम जानती हो कि रूबिन्स एक इच्छाधारी सर्प था, फिर तो तुम यह भी जानती होगी कि ऑर्डर ऑफ बेबल इच्छाधारी सर्पों पर हमला क्यों कर रहे हैं। तब लोला ने बताया, तुम गलत समझ रहे हो नागराज, इच्छाधारी सर्पों की हत्याओं के पीछे ऑर्डर ऑफ बेबल नहीं है, यह काम नाजीज का है। यह सत्य है नागराज, लॉर्ड मॉर्बियस के नेतृत्व में नाजी आज भी सक्रिय हैं, नियो नाजीज के रूप में। क्लब में जिन सैनिकों से तुम लड़े वो नियो नाजीज ही थे। तब नागराज ने पूछा, यह लॉर्ड मॉर्बियस कौन है। लोला ने बताया, नियो नाजीज का लीडर, लोगों का मानना है कि वो हिटलर का ही वंशज है, हिटलर के उत्तराधिकारी के रूप में हिटलर के अधूरे काम को अब यह पूरा करना चाहता है। तब नागराज ने पूछा, लेकिन वो लोग इच्छाधारी सर्पों की जान के पीछे क्यों पड़े हैं।
यह सुन लोला ने बताया, यह दूसरी बार है जब नाजी इच्छाधारी सर्पों के पीछे पड़े हैं। इससे पहले भी जर्मनी में इच्छाधारी सर्पों की जानें खतरे में थीं। तभी खिड़कियों के टूटने की आवाज़ आई और एक कुल्हाड़ा नागराज की गर्दन के पास से गुजरा। यह देख लोला ने कहा, हंटर, उधर ओल्ड बर्लिन में किसी गुप्त स्थान पर इच्छाधारी नागों का संगठन। डेविड ने कहा, रूबिन्स सिर्फ मेरा भाई नहीं था वैमंस, इच्छाधारी नाग होने के नाते उसका संबंध तुम सबसे भी था। तुम लोग यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। तब वैमंस ने कहा, यह समय जज्बाती होकर होश में आने का नहीं है डेविड। हम लोग एकजुट भी हो जाएं तो भी नियो नाजीस का मुकाबला नहीं कर सकते। तब दूसरे सदस्य ने कहा, वैमंस सही कह रहा है डेविड, वर्षों पहले भी हमारी जाति ने ऐसा करने की कोशिश की थी, अंजाम क्या हुआ था तुम जानते हो। तब डेविड ने कहा, वर्षों पहले जो हुआ उसकी वजह से कायरों की भांति बिल में सिर छिपाए बैठे रहने से क्या इच्छाधारी सर्प जाति किसी भी भयंकर परिणाम से बची रहेगी। मत भूलो कि यह प्रश्न सिर्फ नाग जाति के अस्तित्व का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सृष्टि के अस्तित्व का है। नियो नाजी यदि अपनी योजना में सफल हो गया तो अस्तित्व में हम वैसे भी नहीं रह पाएंगे। तब दूसरे सदस्य ने कहा, नियो नाजी के पास यदि वो विनाशकारी शक्ति है तो हमारे पास भी नागराज के रूप में एक महाविनाशकारी शक्ति है। तब वैमंस ने कहा, यदि नागराज इस महायुद्ध में इच्छाधारी नागों का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है तो हम दुश्मन से टकराने की सोच सकते हैं। नागराज से संपर्क करने की कोशिश करो, साथ ही विश्व भर के इच्छाधारी नागों को एकजुट होने का संदेश भेज दो। अपने जीवन का सबसे भीषण और शायद अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। मारियन कर्ची, सेंट मैरीज चर्च, सिटी सेंटर बर्लिन। एक ट्रक चर्च का दरवाजा तोड़ अंदर घुस आया। यह देख सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा, ऑल यूनिट्स अलर्ट, चर्च पर हमला हुआ है। अभी अभी एक ट्रक संदिग्ध तरीके से मिलिट्री लाइन को क्रॉस करके अंदर आ गया। चेक करो कौन है ट्रक के अंदर। तब एक गार्ड ने चेक किया और कहा, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, इट्स ए फॉल्स ट्रैप। तभी उन सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ और वे सभी मारे गए। ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्य वहाँ आ पहुँचे थे और कहा, बेशक यह एक ट्रैप था, एक बचकाना सा ट्रैप जिसमें तुम लोग बड़ी आसानी से फंस गए। इधर हाइड्रा हेडक्वार्टर बर्लिन पर शुरू हो गई थी मौत की जंग। नियो नाजीज ने हाइड्रा हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था तो जवाब में कैट्स की सेना टूट पड़ी थी नियो नाजीज पर। तब बैरोनिस ने कहा, हमसे मुकाबला करने के लिए फौज भी तैयार की तो नचनियों की। एक लोला को बचाने के लिए सैकड़ों निर्दोषों की जान का सौदा तुझे महंगा नहीं लगा। तब हाइड्रा के सदस्य ने कहा, घायल बिल्लियाँ एक शेर से भी खतरनाक हो सकती हैं बैरोनेस, यह बात तुझे जल्द ही पता चलेगी। लोला यहाँ होती तो भी यह उसे बचाने के लिए अपनी जान खुशी खुशी दांव पर लगा देती। यह सुन बैरोनेस ने कहा, जान तो इनकी अभी भी जाएगी मेरे पालतू के हाथों। तभी बैरोनेस के पालतू हाइब्रिड ने कैट्स पर छलांग लगाई, लेकिन इससे पहले कि वह किसी पर हमला कर पाता नाग मानवों ने उसे जकड़ लिया। यह देख बैरोनेस ने कहा, पाप प्रतीक। तब नाग मानव डेविड ने कहा, एक औरत होकर भी तूने अपने पालतू को औरतों के साथ पेश आने की तमीज नहीं सिखाई बैरोनेस। नाग मानवों की सेना आ पहुंची थी हाइड्रा की मदद के लिए। इधर हंटर नागराज के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, तेरे लिए इतना जानना काफ़ी होगा नाग मानव की हंटर तेरी मौत है। तब नागराज ने हंटर के वार से बचते हुए कहा, दुनिया का सबसे खूंखार हत्यारा भी नागराज को मौत नहीं दे सकता। तब लोला ने कहा, इसकी तोई कोपी से बचना नागराज, सुना है इसके शिकार का सिर स्वतः ही तोई कोपी के आगे कटने के लिए झुक जाता है। हंटर एक के बाद एक घातक प्रहार करता जा रहा था नागराज पर और कहा, सही सुना है तूने लड़की, अब इस नाग मानव के रक्त से अपनी प्यास बुझाएगी तोई कोपी। तब नागराज ने नागरसी की मदद से उसकी तोई कोपी छीन ली। तब नागराज ने उस हथियार को उठाना चाहा। तब नागराज ने कहा, उफ, पूरी ताकत लगा देने के बाद भी मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूँ, यह तो टस से मस नहीं हो रही। यह देख हंटर ने कहा, तू वाकई साहसी है नागराज, सैकड़ों लोगों के रक्त से स्नान किया है तोई कोपी ने, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि इसे थामने का विचार कर सके। तू पहला इंसान है जिसने इस पवित्र तोई कोपी को छूने का पाप किया है। तभी हंटर ने नागराज पर जोरदार वार किया। नागराज का खून हंटर के हाथों पर जा गिरा। नागराज के खून में मिले घातक जहर से हंटर का हाथ पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिर से उभर आया। यह देख
हंटर ने कहा, अद्भुत शक्ति है तेरे विष मिश्रित रक्त में नाग मानव, लेकिन तेरी कोई भी शक्ति तुझे हंटर के हाथों मरने से रोक नहीं सकती। यह देख, नागराज ने सोचा, इस पर मेरे विष का भी कोई असर नहीं, यह कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। तब हंटर ने नागराज को संभलने का मौका नहीं दिया और घातक प्रहार करते हुए कहा, तू प्रशंसा का पात्र है नाग मानव, तू पहला शख्स है जो तोय कोयपी के सामने होने के बाद भी अब तक जिंदा है। दाद देनी होगी तेरी इच्छा शक्ति की जो तुझे इसके आगे झुकने से रोक रही है। तब अपना आखिरी वार करते हुए हंटर ने कहा, पर अब और नहीं, अपने इष्ट देव को याद कर ले। तब नागराज ने सोचा, क्या पाप अपनी मनसाओं को पूर्ण करने में सफल हो जाएगा? क्या अच्छाई हार जाएगी बुराई से? क्या यही अंत है मेरा? इतना बेबसी भरा समय चक्र उस काल सर्प के समान है जो अपने ही दुम खाते हुए गोल धुरी पर घूमता है। समय रूपी काल चक्र आज घूमते हुए उसी जगह पर आ गया है जहां सन 1945 में था। मोहरे बदल गए हैं पर खिलाड़ी वही पुराना है। तीसरे विश्व युद्ध की बिसात पर जो चलेगा, पहला मोहरा वही स्थापित करेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।